नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश चुनाव की करीबियों के चलते कहीं पर कुछ नेताओं के रिश्ते किसी के साथ सवर रहे हैं तो कहीं पर किसी के रिश्ते बिगड़ भी रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखें तो ऐसी बहुत सारी तस्वीर है, जिनमें से एक तस्वीर की चर्चा चारों तरफ हो रही है। वो है सुभाष प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की मुलाकात। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने फैसला किया कि वो छोटे छोटे दलों के साथ में मिलकर इस बार का चुनाव लड़ेंगे। उनकी रणनीति के तहत वो इसी ओर लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं। हाल ही में मऊ में जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने शक्ति प्रदर्शन किया, उस शक्ति प्रदर्शन के बाद में लगातार जो उनके और अपने सहयोगी होने का दावा कर रहे हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि अखिलेश यादव को तो मंच पर बुलाए लेकिन हमसे दूरी आखिरकार क्यों बनाई। 27 तारीख को ही हाल ही में मऊ में जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने मंच पर अखिलेश यादव को जगह दी, इसके बाद बाकी के और नेता जो उनके साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा में होने का दावा कर रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने उनके साथ धोखा किया। भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत बातचीत उनसे करते रहे लेकिन बात किसी और के साथ में बना ली। लेकिन वही अरुण राजभर पार्टी के महासचिव ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये बातें सिर्फ कोरी बातें हैं, क्योंकि भागीदारी संकल्प मोर्चा में AIMIM कभी था ही नहीं। दरअसल सबसे ज्यादा तकलीफ AIMIM को ही हो रही है और AIMIM की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि राजभर ने उनके साथ में धोखा किया है, क्योंकि बातचीत उनके साथ चल रही थी लेकिन वो खुद समाजवादी पार्टी में चले गए। दरअसल 22 तारीख को ही मुलाकात हुई थी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ में ओम प्रकाश राजभर की, और उस मुलाकात के बाद में चुनाव साथ में लड़ने का ऐलान कर दिया गया। यहां तक कि ओम प्रकाश राजभर ने यह तक कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ में सीट बंटवारे को लेकर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे में अब बाकी के जो उनके भागीदारी संकल्प मोर्चा के लोग हैं, जो होने का इस मोर्चा में दावा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर तो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें AIMIM इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में ताल ठोक रही है और पिछले लगभग 2-2.5 सालों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में दस्तक देने के बाद में लगातार ये प्रयास कर रही है कि बढ़त बनाई जाए। इसी बीच में ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात असदुद्दीन ओवैसी के साथ में हुई। दोनों की मुलाकातें हुई, गतिविधियां बढ़ी और ये लगभग चर्चा होने लगी कि शायद इस बार ये मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरकार इनकी अपनी ये जो दोस्ती हो रही थी वो परवान नहीं चढ़ पाई और ओम प्रकाश राजभर ने अपनी राहों को अलग कर लिया। अब ऐसे में एक तरफ जहां यूपी इकाई को जो देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं AIMIM के नेता कि ये सब कुछ धोखेबाजी है, हमें तो पूछा ही नहीं गया, हमें मोर्चे से अब अपना रिश्ता तोड़ना होगा, अब हमें से ये जो मोर्चा है इस मोर्चे से खुद को अलग करने का फैसला ले रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर लगातार देखिए इस पूरे मामले को लेकर कुछ कह नहीं रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उनकी पार्टी के अरुण राजभर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी तो ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं थी कि ये मोर्चा का हिस्सा है, जो मोर्चा का हिस्सा थे, जो हमारे साथ में पार्टी थी, जो दल हमारे साथ में थे, वो हमारे साथ अब भी लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा बात अगर AIMIM की जाए तो हमारे साथ में कभी इस मोर्चे में थे ही नहीं। देखिए, इस अगर पूरे मोर्चे की बात करते हैं तो इसमें शिवपाल यादव के साथ में बातचीत चल रही थी, इसके अलावा चंद्रशेखर उर्फ आजाद के साथ में इससे बातचीत, इस पूरे मामले को लेकर बातचीत चल रही थी, इसी मोर्चे को लेकर बातचीत चल रही थी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का साथ भाया है और इसीलिए उनके भागीदारी संकल्प मोर्चा में होने का दावा करने वाले दल अब इस बात से खफा हो चुके हैं।